कांग्रेस का हाथ खाली, सत्ता की कुर्सी पर बीजेपी काबिज, फेल हुए सभी एग्जिट पोल, मारी कमल ने बाजी या कांग्रेस हारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई हो। यहां कांग्रेस बाजी जीतते जीतते अचानक से हार जाती है और हारी हुई बाजी बीजेपी जीत जाती है। 5 अक्टूबर को प्रदेश की विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 8 अक्टूबर को नतीजे आए, तो हारने वाली पार्टी तो छोड़िए, जीतने वाली पार्टी भी चौकसी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों का परिणाम जब सबके सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। जहां बीजेपी भी खुद को हारा महसूस कर रही थी, वहीं कांग्रेस को जनता ने पटकनी दे दी और कमल खिल गया। मतलब जनता ने दाव दिखाया तो कुछ और चला कुछ और। 90 सीटों में से बीजेपी के खाते में 48 सीटें आई हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37। इनोले ने 2 सीट पर कब्जा किया है तो निर्दलीय के खाते में 3 सीटें आई हैं। ऐसे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस से कहां गलती हो गई और तमाम एग्जिट पोल कैसे गलत साबित हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इतिहास रच दिया है, लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है जाट शाही। अब आप कहेंगे कि जाट शाही क्या है, तो आगे मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जिस तरह से खबरें सामने आती थी कि जिसमें जाट दलितों पर अत्याचार करते थे, उसी का असर जाट शाही का डर हरियाणा की जनता को सताने लगा, क्योंकि कुमारी शैलजा को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया और दलित वोटरों को ये बात पसंद नहीं आई। हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या अग्निवीर योजना का, ऐसे कई मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी सरकार के प्रति लोगों के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही थी और सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए 6 महीने पहले ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जिस तरीके से किसान, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा था, तो सबसे पहले बीजेपी ने 6 महीने पहले इस समस्या का समाधान किया और मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को बिठा दिया। इससे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी कम हुई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। वहीं बीबीसी की एक खबर के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री मानते हैं कि नतीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से अपनी ओर ले लिया। इसका असर ये हुआ कि हुड्डा के गढ़ सोनीपत की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। हरियाणा की करीब 22% जाट वोटर है जो काफी वोकल है, यानी जो बोलते हैं वही करते हैं। गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खामोशी के साथ बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर की गुटबाजी को भी माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे का है और कौन कुमारी शैलजा का करीबी है। बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया था। इनमें से 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटें बचा पाने में कामयाब रही, जबकि उसने करीब 22 नई सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में ये भी समझने वाली बात है कि बीजेपी ने जिन सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार भी जीत हासिल की, वहीं पिछली बार जिन सीटों पर हारी थी वहां भी जीत हासिल की। मतलब लगातार 5 साल तक बीजेपी हार वाली सीटों पर भी जमीनी रूप से काम करती रही। कुमारी शैलजा को इग्नोर करने की वजह से दलितों ने कांग्रेस से दूरी बना ली। 3 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन विधानसभा में नहीं दिया।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 10 से ज्यादा सीटों को छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे की बड़ी वजह बने, क्योंकि वो वोट कटुआ बन गए। उन्होंने कांग्रेस का वोट काट कर अपने इधर ले लिया। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को हुआ। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई भी चमत्कार नहीं कर पाई और ना ही किसी और सीट पर जीत मिल पाई उसे। लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच वोट बंटने से कांग्रेस को पूरी तरीके से नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। और इन सबके बीच किसी को फायदा हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल आप हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर क्या सोचते हैं और हमने जो ये तमाम बिंदु आपको बताए हैं इनको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।